दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए हैं। यदि आप जीके के बादशाह हैं तो करके दिखाओ, तो जाने तो माने कि आप जीनियस हो। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के आंसर सही करके दिखाने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्लोरोमाइसिटिन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको एक क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी प्रतिजीवाणु। दूसरा क्वेश्चन पैरासिटामोल। ऑप्शन ए एक पीड़ाहर है। पृथ्वी की पपड़ी में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन सी तांबा, सीयू। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा हीलियम। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? ऑप्शन सी सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप। ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगला क्वेश्चन, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है? कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। ऑप्शन सी पिटबा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस। ऑप्शन बी मीथेन है। अगला क्वेश्चन, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि। ऑप्शन सी प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। अगला क्वेश्चन, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि। ऑप्शन बी जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अकरी गैसें भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन,
हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व है? ऑप्शन सी कार्बन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। ऑप्शन बी अपचयन। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमोई ठोस में बदल जाने वाली गैस है, कौन सी है? ऑप्शन डी एथिलीन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व तो उपलब्ध नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्लोरीन। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। ऑप्शन सी ग्रेफाइट। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी साबुन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी प्रवाही आसवन। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी बाष्पीकरण। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? ऑप्शन बी जलयोजित सोडियम कार्बोनेट। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपात। अगला क्वेश्चन देखिए, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, बारूद किसका मिश्रण है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, बारूद नाइट्रेट सल्फर व काठ कोयला चार कोल का मिश्रण है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। ऑप्शन सी पाइस। वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन डी क्वार्ट्ज कांच। कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी एथिल एल्कोहल। बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। ऑप्शन ए नाइट्रेट।
भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है, कौन सा है? ऑप्शन डी विटामिन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव है, ऑप्शन सी द्रवीय अमोनिया। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है? ऑप्शन डी यकृत। पीने वाला सोडा होता है, ऑप्शन सी प्रकृति से अंगली। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है, ऑप्शन सी रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और कोलेस्ट्रॉल है क्या है? ऑप्शन सी जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी कीटनाशक। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अपमार्जक। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, कठोर जल। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसें। 49वां क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए क्या होगा आंसर? अक्रिय गैसें, ऑप्शन सी रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, रंग बंधक वह पदार्थ है जो, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसके आपको 50 में 30 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने थे सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।